इसमें सिमेट्रिकल बेजल दी हुई है, ये मेरे को बहुत ही कमाल की चीज़ लगी। इवन यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले नहीं भी है बट यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है, नीचे की साइड देख सकते हो यहाँ पे चेंज आता है, मोटी है, इसमें आपको बराबर मिलती है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है, राइट। सो फाइनली हमारे पास दो वॉचेस है यहाँ पे, बीम कॉलिंग और यहाँ पे रियलमी वॉच 3। और रियलमी वॉच 3 का मैंने अनबॉक्सिंग डिड रिव्यू कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। और बीम कॉलिंग जो कि अंडर 3000 रुपीज़ में आती है, तो ये कंपैरिजन जो है वर्थ रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में क्या रियलमी बेटर रहेगी, क्योंकि कन्फ्यूज़ हैं लोग। बट रियलमी में सबसे बड़ा फ्लॉ एक ही है, जो कि है आपको वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता, तो देना चाहिए था कंपनी को। पता नहीं कंपनी ने क्यों नहीं ऐड किया या क्या किया कंपनी ने, आई डोंट नो यहाँ पे, बट वॉच अच्छी है आई नो यहाँ पे, और पूरे के पूरे जो नोटिफिकेशन है वो शो करता है। और बीम कॉलिंग भी वॉच अच्छी है, बट बीम कॉलिंग में जो फीचर्स मिलते हैं आपको अदर वॉचेस में, इसके मुकाबले कम मिलते हैं। तो 3000 रुपीज़ में मिल रही है, आप इसको ग्रैब कर सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की बैच पे लिंक आपको अपडेट कर दूंगा और आप जाके ग्रैब कर पाओगे दोनों को ही। तो गाइज़ ये रही हमारे पास दोनों ही वॉचेस, और यहाँ पे रियलमी की वॉच है और यहाँ पे आपको फायरबोल्ट की वॉच है, दोनों को हम एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरीके का लुक मिलता है, 1.8 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पे आपको 1.72 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, और पिक्सल साइज डेफिनेटली इसमें ज़्यादा बेटर है और थोड़ी सी हैवी भी है। लुक और फील प्रीमियमनेस यहाँ पे भर भर के यहाँ पे कूट कूट के भरी गई है यहाँ पे बीम कॉलिंग में, एज़ कम्पेयर टू रियलमी। रियलमी की थोड़ी सी ग्लॉसी लगती है और ये आपको प्रीमियम फील देती है एल्युमिनियम केसिंग के साथ। और यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स आप देख सकते हो इस तरीके से मिलते हैं, डेडिकेटेड यहाँ पे सेंसर दोनों में देखने को मिलते हैं इस तरीके से, पीछे की साइड आपको मिल जाते हैं। और फायरबोल्ट की ब्रांडिंग ग्लास्टिक बैक मिलता है, यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है और SP2HR मॉनिटर, यहाँ पे सेंसर ही सेंसर भरे पड़े हैं। यहाँ पे आपको 3 सेंसर मिलते हैं और मतलब 3 क्या लाइटनिंग मिलती है, और 22mm स्ट्रैप साइज है दोनों का ही थे, तो इवन इन दोनों का भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। अब गाइस टैप करते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लिकर कर रही है रियलमी की वॉच, ये फ्लिकर नहीं करती बिल्कुल भी, तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस। और 2.5D कर्व ग्लास दोनों में ही यूज़ किया गया, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। वैसे यहाँ पे 10 वॉच फेस मिल जाते हैं, 10 या 7 मिल जाते हैं आपको इन द वॉच इटसेल्फ इसमें, और ये बेटर काम किया गया एज़ कम्पेयर टू रियलमी। रियलमी में आपको सिर्फ 4 से 5 ही मिलते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। और गाइस बात करें यहाँ पे अदर फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको जो बटन मिलती है, बटन प्लेसमेंट देख लो यहाँ पे इस तरीके से, एक बटन सिंगल बटन मिलती है और यहाँ पे आपको एक एक्सेंट मिल जाता है। यहाँ पे माइक का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे आपको माइक प्लस यहाँ पे बटन मिल जाती है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, राइट, और यहाँ पे भी स्पीकर मिल जाता है। तो गैस सारे के सारे फीचर्स को चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं दोनों ही वॉचेस में क्या कुछ खास मिलता है। वैसे चैनल पे आगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वैसे दोनों की बेस्ट पेलिंग अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप जाके ग्रैब कर सकते हो। और भी अमेजिंग डील के लिए आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं डील्स आप सभी के साथ, और लाइटनिंग डील और जो भी वॉच सेल पे जाती है उसके लिए हम शेयर करते रहते हैं। तो टेकबुक सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पे मेन्यू की बात करते हैं, ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं तो दोनों में मेन्यू मिल जाता है। यहाँ पे D&D मोड मिलता है, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कंट्रोल है, पावर सेवर है, टॉर्च लाइट है, रेस टू वेक है और सेटिंग्स है। यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखाता है, यहाँ पे आपको मतलब वाइब्रेशन पे ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, और यहाँ पे ये आपका यहाँ पे डिटेल दिखाया था, और यहाँ पे आपको थिएटर मोड मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे वेदर अपडेट्स है, यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है। सेटिंग में चलते हैं दोनों में ही, यहाँ पे अगर हम सेटिंग में चलें तो थोड़ा सा फोकस कर लूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हैं, यहाँ पे ऑटो स्लीप करीब करीब 20 सेकंड मैक्सिमम कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑटो स्लीप में 1 सेकंड कहाँ गया, यहाँ पे 15 सेकंड का मिलता है ऑटो स्लीप में स्क्रीन ऑन टाइम। हीरा मेन्यू स्टाइल यहाँ पे लिस्ट ग्रिड वाला मिल जाता है, तो मतलब यहाँ पे आपको हनी कॉम और मेन्यू स्टाइल मिलता है, यहाँ पे आपको दो मेन्यू मिलते हैं लिस्ट ग्रिड वाले, तो मेन्यू स्टाइल पर्टिकुलरली मेरे को इसमें ज़्यादा बेटर लगा इससे, और ग्रिड वाला होना चाहिए था यहाँ पे, इसमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जनरल में जाते हो, यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लिस्ट पे ही कर लेते हैं वैसे तो। बैक चलते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन बेल, यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, ये अच्छी बात है, और यहाँ पे भी आपको वाइब्रेशन इंटेंसिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। बट गाइज एक ट्विस्ट है यहाँ पे, रियलमी में एक चीज़ बहुत प्लस पॉइंट बेटर बढ़ाया गया है, जो कि है आपका रिंग टोन, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम सेट कर सकते हो और रिंग टोन्स के थ्रू आपको अलर्ट्स भी मिलते हैं। वाइब्रेशन इंटेंसिटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मॉडरेट इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, और साथ में यहाँ पे रिंग टोन ऑन ऑफ भी कर सकते हो, पूरा म्यूट भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको म्यूजिक में जाते हो, यहाँ पे आपको देख सकते हो रिंग ओनली, रिंग एंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ओनली और म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये चीज़ें दोनों में ही दी गई हैं, अच्छी बात है। और आगे बात करें, यहाँ पे पावर सेवर है, थिएटर मोड मिल जाता है, फ़ोन का ऑप्शन मिलता है, रीसेट कॉल का सिस्टम का, और अबाउट में सिस्टम में आपको रीस्टार्ट पावर ऑफ रीसेट मिल जाता है। यहाँ पे कॉल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी आई गेस दिया गया है, यहाँ पे ये रहा फ़ोन, अगर इसको ऑफ कर दोगे तो आपका अभी ऑफ है, जैसे कि ये फिटनेस वॉच की तरह यूज़ कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको अदर नीचे चलते तो वर्कआउट सेटिंग में आपको वर्कआउट रिकॉग्निशन मोड भी मिलता है, D&D मोड मिल जाता है, बैटरी लेवल और जनरल का ऑप्शन मिलता है, अबाउट मिल जाता है। यहाँ पे बटन टैप करते ही आप होम पे आते हो वापस से, और यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल मैंने थोड़ी सी कम कर दी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अब हम मेन जो चीज़ें वो चेक करते हैं, यहाँ पे राइट साइड में स्वाइप करते हो तो शॉर्टकट मिल जाते हैं दोनों में इस तरीके से आपको, और वापस आप होम पे भी चले जाते हो जैसे आप मतलब
इसको स्क्रॉल करते रहोगे और लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हो तो यहाँ पे मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स वापस से स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, नीचे की साइड से स्वाइप करते हैं, यहाँ पे मैसेज शो करता है, दोनों में ही आपको ये अच्छी बात है। वापस बटन टैप करते हो, आप होम पे आते हो। अब गाइस यहाँ पे हम मेन्यू पे चलते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको बटन टैप करके मेन्यू खुलता है। यहाँ पे स्टेप्स पे जाते हो, यहाँ पे स्टेप्स काउंटिंग ये सब चीज़ें शो कर देता है जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया। यहाँ पे एक्टिविटी में इस तरीके से एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म की है वो मिल जाती है आपको। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, हार्ट रेट ओवर टू द एयर चेक कर लेते हैं दोनों का ही। तो यहाँ पे प्लीज़ फेयर बोल रहा है रियलमी में तो, और यहाँ पे अभी भी स्कैन कर रहा है यहाँ पे, बट नहीं बताएगा मेरे ख्याल से, प्लीज़ फेयर से भी बोल दिया है। अब गाइज यहाँ पे बैक चलते हैं, यहाँ पे SP2 लाल मॉनिटर चेक करते हैं, इसमें भी खोल लेते हैं SP2 लाल मॉनिटर। यहाँ पे प्लीज़ वेयर द वॉच टाइटली बता रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे ओके स्कैन कर रहा है क्या ये, डोंट नो। यहाँ पे देखो ग्रीन वाला सेंसर ही चल रहा है, वैसे प्लीज़ वेयर द वॉच करेक्टली बता रहा है। यहाँ पे सेंसर कौन सा चलता है, यहाँ पे भी ग्रीन वाला सेंसर चल रहा है। देखो अब ये मत कहना गाइस ग्रीन वाला सेंसर चल रहा है तो रेड वाला नहीं, तो इसका मतलब एक ही सेंसर है। नहीं, यहाँ पे ग्रीन वाला भी हो सकता है SP2 के लिए, यहाँ पे वो नहीं है कि एक्चुअल SP2 के लिए रेड वाला ही होगा। और गाइस बात करें यहाँ पे फ़ोन ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको फ़ोन का ऑप्शन मिलता है, कहाँ गया ये रहा ऊपर की साइड। और स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है रियलमी में, जो कि इसमें स्ट्रेस मॉनिटर नहीं मिलता। और ट्रेनिंग में यहाँ पे 100 स्पोर्ट्स फोन मिलता है, यहाँ पे भी आपको 100 स्पोर्ट्स फोन मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप सभी को, यहाँ पे वर्कआउट्स में चलते हैं। ये रहा, यहाँ पे एक रनिंग वाला चेक कर लेते हैं। इन ऐप GPS का सपोर्ट आपको दोनों में मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रनिंग है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाया था, दोनों में आपको सेम चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए। बट यहाँ पे आपको म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको बीम कॉलिंग में नहीं मिलता है। ये मेरे को थोड़ा सा लगा देना चाहिए था बीम कॉलिंग को, बट अभी जब मैं अदर फीचर बताऊंगा तो यहाँ पे आपको रियलमी की वॉच फीकी पड़ने लगेगी बीम कॉलिंग की, अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो। यहाँ पे उसके बाद हम आते हैं आगे, स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड मिल जाता है, यहाँ पे भी वर्कआउट रिकॉर्ड मिल जाता है, ब्रीद रिलैक्स का मोड मिल जाता है, इसमें ब्रीद रिलैक्स का मोड मिल जाता है, वेदर अपडेट्स मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ पे वेदर अपडेट्स है। और अलार्म आप लगा सकते हो इन द वॉच इटसेल्फ, यहाँ पे नहीं लगा सकते मेरे ख्याल से बीम कॉलिंग में, इसमें लगा सकते हो, तो रियलमी में ये भी एक प्लस पॉइंट है। स्टॉप वॉच मिल जाती है, यहाँ पे भी स्टॉप वॉच मिल जाती है, प्लेयर का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, बट सॉन्ग्स को आप स्टोर नहीं कर सकते दोनों में से किसी में भी, प्लेयर का ऑप्शन वैसे इसमें मिलता है बट सॉन्ग्स को स्टोर नहीं कर सकते। शटर बटन मिल जाता है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी शटर बटन मिल जाता है, और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, कैलकुलेटर मिल जाता है गाइज, और रियलमी में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है आपका बीम कॉलिंग का। फ्लैश लाइट मिल जाती है, अदर्स का ऑप्शन है, अलार्म मिल जाता है, और अदर्स में जाते हैं तो अदर्स में आपको ये वही मतलब आपका सेटिंग मेन्यू खुल जाता है पूरा का पूरा वापस से। और आगे चले यहाँ पे काउंटर टाइमर, गेम्स मिल जाते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे दो गेम्स मिलते हैं, और रियलमी वॉच में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं गेम्स का, यहाँ पे खत्म हो जाता है मेन्यू। बट हम आगे बढ़े यहाँ पे तो वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है, जो कि रियलमी में है ही नहीं, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट अवे जीत जाती है हमारी रियलमी से, अगर आप स्ट्रेट अवे कंपेयर करो तो। राइट, तो अब हम यहाँ पे कॉल क्वालिटी चेक करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन के साथ दोनों को ही। तो गाइज़ यहाँ पे फाइनली दोनों ही वॉचेस कनेक्ट हो चुकी हैं, यहाँ पे हम फ़ोन मिलाते हैं सबसे पहले रियलमी वॉच से, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये लाउडनेस मिलती है आपको, और फुल है लाउडनेस, क्लैरिटी ठीक है, अच्छी है, और यहाँ पे डायल पैड मिल जाता है, और गाइज़ यहाँ पे माइक का ऑप्शन मिल जाता है, कट म्यूट कर सकते हो, और यहाँ पे डायरेक्टली कट कर सकते हो। लाउडनेस ठीक है, बट गाइज़ थोड़ा सा और लाउड होनी चाहिए वॉच। अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ इससे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लाउडनेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है मेरे ख्याल से, आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे अभी मैं सुनाता हूँ आपको लाइव, देखो बहुत ज़्यादा लाउड है गाइस, बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली डबल मिल जाती है वॉइस की। यहाँ पे क्लीन वॉइस आती है ऊपर से, हिंदी फॉन्ट भी सपोर्ट करता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो इन द फ़ोन इटसेल्फ, तो ये मेरे को अच्छा इसका फीचर लगा, और यहाँ से कट कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट कैसे काम करता है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें तो वॉइस असिस्टेंट है ही नहीं, तो ये पीछे रह जाती है इस चीज़ में भी। यहाँ पे सबसे नीचे चलते हैं, कॉल 198 देखते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा बिना उसके। मोबाइल डेटा टर्न ऑफ है, तो इसमें ऑडियो प्रोफाइल भी मिलती है, तो यहाँ पे प्रॉपरली वॉच में ही आपके मतलब वॉइस असिस्टेंट काम करता है, तो ये बहुत ही कमाल का फीचर लगा है। इसमें सॉन्ग्स भी सुन सकते हो थ्रू द वॉच इटसेल्फ, इसमें आप कमांड दे सकते हो सॉन्ग सुनने के लिए, इसमें आप मतलब वॉइस असिस्टेंट को बोल सकते हो यहाँ पे वेदर अपडेट्स पता करने के लिए, और कॉल मिलाने के लिए भी, तो ये फीचर मेरे को बहुत तगड़ा लगा। अब गाइस दोनों ही वॉचेस को पहन लेते हैं, इन द हैंड फील देख लेते हैं, और यहाँ पे और ऑक्सीमीटर के साथ भी टेस्ट कर लेंगे। तो गाइस दोनों ही वॉचेस को मैंने पहन लिया, यहाँ पे इस तरीके का लुक मिलता है गाइस, डेफिनेटली यहाँ पे
फायरबोल्ट की वॉच थोड़ी सी हैवी है एज़ कम्पेयर टू रियलमी, बट लुक और फील में प्रीमियमनेस में फायरबोल्ट का जवाब नहीं है यहाँ पे। सिमेट्रिकल बेजल्स के साथ ये प्रीमियम फील दे रही है, यहाँ पे चेंज ज़्यादा मिलती नीचे की। अब गाइस यहाँ पे रेस टू वेट चेक करें एक बार, क्या कहते हो, 1, 2 एंड 3, तो ये ऑन हो गई, ये भी ऑन हुई है। इसमें शायद मेरे ख्याल से रेस टू वेट ऑन है कि नहीं, आई डोंट नो। यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑन थी, 1, 2 एंड 3, तो ये रियलमी जीत जा रही है। SPU टू HR को चेक करते हैं एक बार, HR ये रहा, और मैं ऑक्सीमीटर भी पहन लेता हूँ हाथ में। यहाँ पे एक हो रहा है और यहाँ पे भी स्कैन हो रहा है, तो यहाँ पे 97 शो कर रहा है हार्ट रेट और SPU टू 96 शो कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 69 शो कर रहा है, मेरे ख्याल से बढ़ना चाहिए 95, 94। रियलमी की वॉच एकदम मैच कर रही है अभी फ़िलहाल, यहाँ पे बढ़ रहा है, देखते हैं, यहाँ पे 91 शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी सी कम मिलती है इसमें, 70% मिलती है यहाँ पे, यहाँ पे 89 शो कर रहा है वैसे ऑक्सीमीटर में। तो और गाइस SPU2 लेवल चेक करते हैं एक बार, बट मैं SPU2 लेवल मॉडल के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप वॉच का सही माने, आपको मेडिकल इक्विपमेंट की हेल्प लेनी चाहिए जो कि है ऑक्सीमीटर, अगर आप SPU2 चेक कर रहे हो, राइट। तो 96 शो कर रहा था इसमें फिलहाल, इसमें देखते हैं कितना शो करता है दोनों ही वॉचेस में। इवन SPU2 लेवल मॉनिटर तो इसमें बताता नहीं है एक्चुअली, कई बार तो रियलमी की वॉच में आप पहन के रखते रह जाओगे बट ये बताएगा नहीं। यहाँ पे 98 शो कर रहा है, इस तरीके से मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे जब तक वो स्कैन कर ही रहा है तब तक मैं बात कर लेता हूँ आप सभी से थोड़ी सी। यहाँ पे प्रीमियम लुक देती है डेफिनेटली ये वाली वॉच, अगर आप 3000 रुपीज़ पर स्पेंड कर रहे हो तो आपको गेम्स भी मिल रहे हैं, इनफैक्ट प्रीमियम लुक मिल रहा है। तो गाइज मेरे ख्याल से रियलमी के लिए नहीं जाना चाहिए आपको, फायरबोल्ट इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, ऑडियो का ऑप्शन, ऑडियो प्रोफाइल मिलती है, इवन आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं द वॉच इटसेल्फ, कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलता है, गेम्स मिल जाते हैं, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको रियलमी में, ये सारी चीज़ें मिसिंग है। वॉइस असिस्टेंट सबसे बड़ा फीचर जो कि आपको इसमें नहीं मिलता है रियलमी की वॉच में, ये मेरे को लगा देना चाहिए था रियलमी में बट फायरबोल्ट ने दे रखा है। तो गाइज अंडर 3000 में ये वॉच डेफिनेटली बेटर हो सकती है। पीक ब्राइटनेस की बात करूँगा गाइज, यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी ब्राइटनेस मिल जाती है, देख सकते हो यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे फुल ब्राइटनेस में ये भी आपको अच्छी खासी ब्राइट मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लिकर कर रही है वॉच रियलमी की, बट ये आपकी फ्लिकर नहीं करती है, तो इस तरीके से मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।